महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का समय समाप्त हो गया है। जी हां, 29 अक्टूबर को बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ ही अनीस अहमद ने भी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि नामांकन दाखिल करने का समय 11 से 3 बजे तक का था, लेकिन अनीस अहमद 3:01 पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। नामांकन का समय समाप्त होने के कारण वो अपना पर्चा नहीं भर सके। करीब 4-5 घंटे तक अनीस अहमद रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के बाहर बैठे रहे, लेकिन समय समाप्त होने के कारण अधिकारी ने उनका नामांकन लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अनीस अहमद को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।